हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं केले के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक कच्चे केले का पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू कर देते हैं। केले का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो हमने लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज। इसे हम एक मिक्सर जार में डालते हुए पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम सभी मसाले को मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक बोल लेंगे और इसमें पेस्ट को ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाकी के पेस्ट भी उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी बेसन यानी कि चने का आटा। साथ में हम डालेंगे 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं, ये पकौड़े को काफी क्रिस्पी बनाता है। साथ में हम इसमें कुछ सूखे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे यानी कि कोरिएंडर पाउडर। हमने हरी मिर्च डाल रखा है तो इसके लिए हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कलर आने के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। बेसन है तो हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हथेली पे मीस के डालते हैं और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल लेंगे यानी कि 1/4 चम्मच या 2 चुटकी आप कहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ता है, बढ़िया सा एक बेटर तैयार होता है पकौड़े का। तो आप देख सकते हैं हमने पकौड़े के घोल को अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। सभी पकौड़े का घोल इसी तरीके से बनता है यानी कि इतनी ही गाढ़ी अपनी घोल होनी चाहिए। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से अपनी बैटर फूल जाए। तब तक हम अपना पकौड़ा काट के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम पकौड़ा काट लेते हैं। तो केला पहले हम आपको छीलना बता दे रहे हैं। एक नाइफ की मदद से हम इसके दोनों पॉइंट को काट देंगे और ऐसे हम बीच से 1 से 2 कट लगा देंगे। ये आसानी से छीलने का ट्रिक है। फिर हम इसे नाइफ की मदद से ऐसे करते हुए तो इसके छिलके को उतार देंगे। केला एकदम ताजी होनी चाहिए, पकी होनी चाहिए, तो उसका पकौड़ा बहुत बढ़िया तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमने केले के छिलके को चाकू से अच्छे से हटा लिया है। अब हम छिलका को साइड कर लेंगे और केला को काटना दिखा दे रहे हैं। तो आप कभी भी पकौड़ा बनाइए तो 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो इसका स्लाइस कर लीजिए ऐसे पतले पतले, और एक दूसरा तरीका भी है, इसमें हम ऐसे फिंगर के जैसे कट लगाएंगे। ये भी बच्चों को बहुत पसंद है और बनाना भी आसान है, तो हम ऐसे भी काट के पकौड़े बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से पकौड़े काट ले रहे हैं। हमने केले को काट लिया है तो ध्यान रहे केला आप तभी काटिए जब पकौड़े तलने हो, नहीं तो काले पड़ने लगते हैं। चलिए हम बैटर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी बैटर भी फूल चुकी है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है और एकदम पकौड़े के लिए तैयार है। तो इसमें हम डालेंगे पकौड़ा। सबसे पहले हम जैसे लंबा लंबा काटे हैं फिंगर जैसा केला, उसे डाल लेते हैं और बेसन में ऐसे डीप कर लेते हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हमने केला काटने से पहले गैस पे तेल गरम होने के लिए रख लिया है। तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम बेसन में लिपटा हुआ एक पकौड़ा डालेंगे।
तो आप देख सकते हैं पकौड़ा डालते तुरंत तैरने लगा, यानी कि अपनी तेल अच्छी खासी पकौड़े के लिए तैयार है। तो इसमें हम सभी पकौड़े डालेंगे, एक बैच में जितना पकौड़ा आ सके आप डालिए। ध्यान रहे फ्लेम मीडियम रखना है हमें पकौड़े के लिए। चलिए हम पकौड़े को एक बार उलट लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना केला का फिंगर शेप में पकौड़ा तैयार हो रहा है। हमें उलट पलट के इसे 7-8 मिनट तक पका लेना है, जिससे अच्छे से अपना केला पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अपना पकौड़ा एकदम सुंदर कलर, क्रिस्पी और नीचे से पक भी चुका है। केला तो ऐसे भी बहुत जल्दी पक जाता है, तो बस हम इसे चम्मच से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए कितना बढ़िया केला का फिंगर शेप में पकौड़ा तैयार हुआ है। अब चलिए हमने जो स्लाइस में काटा था उसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो हमने बेटर में ये पतले पतले अपने केले को डाल रखा है और सेम प्रोसेस से हम इसे डीप करेंगे, एक्स्ट्रा बेटर गिरा देंगे और धीरे से हम अपने तेल में पकौड़े को छोड़ देंगे। एक बार में जितना पकौड़ा आ सके उतना हमें छोड़ना है। उसके मुकाबले ये जल्दी पक जाता है क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, यानी कि पतली पतली होती है, तो ये जल्दी पक जाता है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए उसे डालिए, फिर हम मीडियम गैस पे इसे ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से उलट पलट के पकौड़ा को एकदम क्रिस्पी कर लिया है और ये तो पक ही गया है, पकने का कोई तो ये नहीं है। तो चलिए हम इसे भी ऐसे टेढ़ा करते हुए बस प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे टेढ़ा करके आप आधा मिनट तक रखेंगे, एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाएगा और इसे हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों तरीके से पकौड़े बनकर तैयार है, देखने में सुंदर हुआ है, खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो चलिए हम बाकी के सभी पकौड़े ऐसे ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया केले का पकौड़ा बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस क्रिस्पी पकौड़े को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज हर बार की तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी। धन्यवाद।